पहले मेरे आने से भी गुड्डा इन्होंने काट दिया ना, तो ये जा गएंगे मैं इनको खाना खिलाऊंगा। चलो इनको को राइट वाला पकड़ी। अरे तीन ओए 16 17 गुड्डे ते सी खलोते काटते अरे घोड़े आ दे हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद अंस और आ गए हम अपने एक और ब्लॉग के साथ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे का और मेरा साथ ज़ुबैर और हम जा रहे हैं, कौन से गांव में जा रहे हैं हम? पत्तोगी जा रहे हैं दोबारा से बसंत मनाने। पसंद है नहीं है लेकिन पिछली बसंत पे कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो हमने आपस में मिल के अरेंज किया है सबका गेट टुगेदर, तो उधर हम जा रहे हैं। और ज़ुबैर सबसे पहले उठे हैं और हमारे साथ है हमारा दोस्त मलिक सुबान, शाही पर्सनैलिटी। सनी वगैरह को हमने उठा दिया था, अब हमेशा हमें लेट कर देते थे, तो हमने देखे वगैरह लोड करनी थी, वो लोड की है। उसके बाद हम लेने जा रहे हैं हमजा को, वहाँ से हमजा को पिक करके कुछ दोस्त हमारा रास्ते में वेट कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करेंगे और उधर से फिर हम आगे इकट्ठे जाएंगे। तो द वन एंड ओनली हमजा जब्बार को हमने पिक कर लिया। पिक का की है? मैं कोई शाबर हूं, मुझे पिक ही है। वो नहीं सुना जाने का यार, तुसी अन्नू क्यों ना ले गए हो? ऐ जरा एक ये आए नहीं रहा ब्लॉग में, कैमरा मार मार दे इसकी हालत देख। उसकी मेरी बात हमजा यार तुझे मैंने कहा था, मेरे से पूछ बाकी सब किधर है, बाकी सब किधर है? अब रहने दे, छोड़ दे। नहीं बता दे बाकी सब किधर है। नहीं रहने दे, छोड़ दे, ब्लॉग बन रहा बता दे। तो ले मैंने बता दी हुआ सबको। क्या तुम्हें मुझे क्यों कहा था पूछ रहे हो? ए क्या डॉम कमाल लग रहा रे, बैक कर रहा रे, ए लगता है क्या जकास क्लासेस रे, ए क्या मोड़ रहा रे। तो ये मैं भी गंजा आदमी मिला था, तो ये सुभान भाई उसकी एक्टिंग करके दिखा रहे थे मैं फास्ट एंड फ्यूरियस वाली। वो हमजा वो कौन था यार फास्ट एंड फ्यूरियस वाला? जॉनी सिंस। वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला डोमिनिक टोरेटो। हाँ डोमिनिक टोरेटो। पाड़ के चला गए, बड़ा तेज है तू। तू पाड़िया, तू पाड़िया, तू पूरे लोहर नु पाड़ दिता है। वो भी आ गई है ना, बस की है गा मुझे नहीं आती। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं और पहला गुड्डा इन्होंने और हमजा भाई ने आते ही चरखी संभाल ली है और सामने ये देखो गाइस पहले गुड्डा एक और पकड़ा हुआ है, वो डोर नहीं थी अच्छी। अभी अंश भाई अभी तलावे डाल के देखे, जो भी कहता है डाल के आती नहीं है डालनी, अभी डाल के देख। मुझे नहीं आती डालनी, पकड़ने के इसका शुरू से बहुत शौक है। जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था सनी के गुड्डे बो हो रहे थे, इस व्लॉग गुड्डा देना है। अभी अभी मेरे आने से पहले गुड्डा इन्होंने काट दिया ना, तो ये जा गएंगे मैं इनको खाना खिलाऊंगा। जेबू भाई अभी सनी ने बोला है कि अगर इसने मेरा एक चैलेंज है, इसने एक भी गुड्डा काट दिया जिधर कहेगा मैं खाना खिलाऊंगा उसको, वो गुड्डा उड़ाया जाएगा। रुक तेरे को बता दे, सनी ने जुबैर को चैलेंज कर दिया है कि अगर उसने सनी का एक भी गुड्डा काट दिया तो वो जहाँ बोलेगा सनी उसको खाना खिलाएगा। तो अभी सारों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक ग्रुप वो एंड पे है, एक ये है, एक सनी लोगों का और बाकी ग्रुप्स वो बने हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने अपना ही प्रोग्राम किया हुआ है, तो हम कुछ ग्रुप्स ही हैं यहाँ पे, हम कोई 30 से 40 लोग हैं, तो हम आपस में मिलके पतंगबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से जुबैर ने अपना गुड्डा उड़ाया हुआ है, वहाँ से सनी ने उड़ाया हुआ है, इन दोनों का चैलेंज लगा हुआ है अभी। किसका कटा है? तेरा तो नहीं कटा, उसने अभी तक 6 गुड्डे बो कर दिए हैं। हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि सनी का गुड्डा बो कर दे। डोर छोड़ो यार। तो ये मुंह पे क्या लगाया हुआ है? ये सन ब्लॉक लगाया अभी यार, बहुत सनलाइट इज वेरी हार्ड, सनलाइट इज वेरी हार्ड। वाओ नाइस, दो मैच आ बहादुर, तो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखो रे देखो,
चालू कर ब्लॉग बस भैया कट दी सीन घर जा गया सनी ने यही तेन कहना ही चोई साहब सब ठीक है सब यस पानी पिला दे यार थैंक यू साम भाई पानी पिलाना स्वाब का काम है क्रिस्टल है लेकिन मैं फिर भी पिलाऊंगा आग लगे बस्ती में हम तो अपनी मस्ती में उसामा भाई हमजा को वहाँ लेके गए हुए हैं यहाँ सारे गुड्डे उड़ा रहे हैं और उसामा भाई अपनी वीडियोस बना रहे हैं हाँ भाई इसके अंदर क्या है सनी चल क्या खा गया आज तेरा गुड्डा क्यों नहीं बोल रहा ओए आज डोरी बहुत अच्छी है मेरे पास मैंगो 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 फ्लेवर सुना था मैंगो डोर भी होती है अंब अंब ना उड़ा रहे हैं एक भी काट के तो बात करी जा तेरा इन शक्ल दिखा के सनी का गुड्डा नहीं बो गया मेनू लगता है भला की करना पैना हूं ओदे कोल जा के ना ब्लेड ना वड़ दी सनी यार और सुना यार टक कहने इनको उड़ाए सनी यार तू तो शिकारी हुआ है तुमको कहना उड़ाए दिखा रुमान में ये ले गुड्डा पकड़ भाई वाइट पकड़ ली एंड में सही आ जाओ थक नहीं रहा तू तू बैर के कितने गड्ढे हैं ईमान से बताई तीन थक नहीं रहे गुड्डे उड़ा उड़ा के मुझे भूख लग गई है ये यहाँ पे मैंने गुड़ बनाया तूने नहीं बनाया देसी गुड़ पहले का बना पड़ा हुआ ये भाई ने बनाया इन दोनों ने मिलकर यहाँ से इस मशीन में गन्ना डाला जाता है उसका रस निकलता है उसके बाद वो रस निकाल के यहाँ पर उसको गर्म करते हैं और फिर वो गुड़ बनता है तो यहाँ पे फ्रेश गुड़ बनाया जा रहा है जो कि खाने के लिए हम तकरीबन 6 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के ये जहाँ पे ये जगह ख़त्म हो रही है वहाँ से हम लोग पैदल चल के आए हैं चल के आए हैं हम थक गए हैं तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर बनता है इतनी दूर हम पैदल चल के आए हैं हालत आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं और आपको पता मैं मेहनत कितना सिर्फ आपको मैंने मेहनत करके दिखाई है और ये झूठ बोल रहा है उसने नहीं बनाया था मैंने बनाया था दूर बहुत खुश नज़र आ रहा है क्योंकि खाना आ चुका है और ब्लॉग बनाने वाला भी बहुत खुश हो चुका है हम सनी भाई के साथ हैं और मरते दम तक उनके साथ रहेंगे सनी टिकटॉक इज वेरी पावरफुल तो अभी सब यहाँ पे आके बैठ गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं खाना आ चुका है तो अब सब खाने की तैयारी में हैं मेरी हालत देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मैं कितना थक चुका हूँ मैं वैसे भी रात को सोया नहीं हुआ क्योंकि सुबह सुबह हमने निकलना था वैसे भी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो अब खाना खाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या करना है सारे चले गए हैं बाहर आप देख सकते हैं तो अभी तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं बहुत ज़्यादा अब निकलने की तैयारी है मैंने तो जाके सो जाना है शाम भैया आप क्या करोगे जाके जागेंगे यार मैं तो कल का जाग रहा हूँ मैं कल का जाग रहा हूँ एक मिनट के लिए भी नहीं सोया तो जाके मैं सोऊंगा नींद पूरी करूँगा अपनी सुकून से देखो मैं आई है ट्रैक्टर चला रही है क्या <laughs>
पीछे। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है। ओके भाई जी, अल्लाह हाफिज। कमाल जानदा मैं कौन दूध पीने वाले झगड़े बुला। ओए तू दूध, तेनू मैं अंदर आके दसना वा क्या है। तुम कल क्यों नहीं आए डेट पर? तुम्हें मैंने कहा था ना मैंने दूध पीना था। बात सुनो ना, मेरी जान गाय का फ्रेश दूध जो अरूज भाई ने मैंने निकाल के दिया है, हमें गिफ्ट किया उन्होंने यहाँ से, शुक्रिया। तो ये बाकी बचा हुआ सामान करते हैं हम बंद। कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं जिन्होंने निकलना है। तो अब के लिए हम ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। हमारे साथ है बहादुर, जिसने मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, बहुत ही मजा आया, लाजवाब आना। तुम जितनी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह तुम एक दिन तुम्हारा ब्लॉग पूरा ऊपर जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़िक का, इंशाल्लाह कम बैक इन टुमारो विल बी एब्सेंट एंड अनस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।